अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। एनिमल में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। देखो भाई, इस चैप्टर में चार चीजें समझ लो, ये अपने आप में चार चैप्टर है। पहला क्या है? एनिमल टिश्यू। दूसरा क्या? अर्थवॉर्म। तीसरा कॉकरोच। चौथा था फ्रॉग। लेकिन फ्रॉग में नहीं पढ़ना है। अब देखना, क्योंकि फ्रॉग हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए तुम्हारे सामने ये रहा। तुम्हें जल्दी से इसका आंसर बताना। बताओ जल्दी से, कॉपी पेन लेकर बैठना। हाँ जल्दी से बताओ इसका आंसर। हम तुम्हें 10 सेकंड का मौका दे रहे हैं। हम टाइमर लगा दे रहे हैं। हाँ 10 सेकंड का मौका दे रहे हैं। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो देखना, कह रहा ऑर्गेनाइजेशन इन विच, जिसमें ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इन विच जिसमें ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल मतलब एक जैसे सेल। हाँ ये कितने हैं? चार सेल। ऐसे ढेर सारे सेल जो एक जैसे हैं, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टिशू। देखना भाई, ग्रुप ऑफ द सेल जो मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगे उसे क्या बोलते हैं? टिशू। ग्रुप ऑफ द टिशू जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करे उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गन। ग्रुप ऑफ द ऑर्गन जो एक पर्टिकुलर फंक्शन में इन्वॉल्व हो उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टिशू हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हम तुम्हें इसमें मौका दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मौका देंगे 15 सेकंड का। हाँ हम टाइमर, देखो भाई टाइमर हम लगा दे रहे हैं मोबाइल में। हाँ तो टाइमर लग गया, सिर्फ 15 सेकंड का मौका देंगे हम तुम्हें। चलो दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू। तो पहले इसको क्या करेंगे हम? गोले मिलेंगे। हाँ क्या करेंगे? गोले मिलेंगे। हाँ अब देखना क्या कह रहा है। एपिथेलियल एपिथिलियम हम जानते हैं। एपिथिलियम क्या है? हम जानते हैं एनिमल टिश्यू जो होता है वो चार टाइप का होता है। कितने टाइप के हो सकते हैं? चार टाइप के हो सकते हैं। अब वो कौन कौन सा हो सकता है? पहला एपिथिलियम होता है, एपिथिलियल टिश्यू। दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, मतलब दूसरा तीसरा क्या कह दो, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और उसके बाद न्यूरल टिश्यू। ये चार टाइप के टिश्यू एनिमल में पाए जा सकते हैं। हाँ तो इन्हीं चारों के बारे में कह रहा है, इसमें बात कर रहा है एपिथिलियम के बारे में। हाँ एपिथिलियम टिश्यू हैज अ फ्री सर्फेस, बिल्कुल बात फ्री सर्फेस होता है, विच फेस ओनली आउटसाइड एनवायरमेंट। नहीं भैया, ये एपिथिलियम जो है अंदर भी पाया जा सकता है, जो बॉडी फ्लूड को भी फेस कर सकता है। जैसे ब्लड वेसल्स में जो होता है उसका एपिथिलियम कहाँ, उसका एपिथिलियम किस पे, उसका एपिथिलियम फेस करेगा ब्लड को, तो ये फ्लूड बॉडी फ्लूड को भी फेस कर सकता है। तो ओनली होने की वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। देखना छोटी छोटी बातें होती हैं अब जो गलत करा देती हैं। ओनली अब ध्यान नहीं दोगे कहाँ आउटसाइड का एनवायरमेंट, ये एपिथिलियम देखो आउट एनवायरमेंट को फेस कर रहा है, सही है नहीं, लेकिन वो अंदर भी बॉडी फ्लूड को भी करता है। कह रहा है एपिथेलियम टिश्यू प्रोवाइड कवरिंग फॉर सम पार्ट ऑफ बॉडी। कुछ पार्ट ऑफ बॉडी को क्या करता है? कवरिंग प्रोवाइड करता है। देखो पूरी तरीके से कवर नहीं करता, लाइनिंग बनाता है। क्या बनाता है? लाइनिंग। तो यहां कवरिंग की वजह से क्या हो जाएगा? गलत हो गया। कह रहा है द सेल इन द एपिथेलियम कॉम्पैक्टली पैक्ड। कॉम्पैक्टली क्या होते हैं? पैक्ड होते हैं, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। सही बात है। क्या होते हैं? इनके सेल जो होते हैं आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और उसके बाद क्या होता है? लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हम तुम्हें इसमें मौका दे रहे हैं 10 सेकंड का, 15 सेकंड का चलो मौका दे रहे हैं, टाइमर लगा दिया। चलो अब देखना कह रहा है, अब हम जानते हैं एपिथिलियम सेल जो होता है, जो एपिथिलियल टिश्यू होता है, एपिथिलियल टिश्यू दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल एपिथिलियम, एक क्या होता है, एक होता है सिंपल एपिथिलियम टिश्यू, एक होता है कंपाउंड। सिंपल मतलब जो एक सेल से, एक लेयर से बने होते हैं, एक उनकी क्या होते हैं, जो सिंगल सेल ऑफ लेयर, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सिंपल एपिथिलियम टिश्यू। तो देखते हैं कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द सिंपल एपिथिलियम। सिंपल एपिथिलियम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? कह रहा एपिथिलियम इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। सही है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं। कह रहा सिंपल एपिथिलियम कंसिस्ट ऑफ बने होते हैं टू आर मोर लेयर। ये गलत हो गया, ये कंपाउंड के लिए होना चाहिए। हाँ अब देखना कह रहा फंक्शन एज अ लाइनिंग ऑफ बॉडी। देखो ये किसका बनाते हैं? लाइनिंग बनाते हैं, बॉडी कैविटी का लाइनिंग बनाते हैं, डक्ट का लाइनिंग बनाते हैं, ट्यूब्स का लाइनिंग बनाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो हमारे हिसाब से आंसर क्या हो जाना चाहिए? ए एंड सी हो जाना चाहिए। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो जल्दी से इसको मिलाओ।
जल्दी से इसको मिलाओ, इसमें मौका देंगे सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 सेकंड का। चलो मौका दे दे रहे हैं 20 सेकंड का। चलो अब एक एक करके पहले देख लेते हैं। हमें पता है, हमने बताया है एपिथेलियम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल एक होता है कंपाउंड। अब कंपाउंड की अभी बात छोड़ो, सिंपल में अगर बात करते हैं तो सिंपल में होता है स्क्वेमस एपिथेलियम और क्या होता है कॉलोमनर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसके बाद होता है कॉलोमनर एपिथेलियम। अब देखना तो पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम वही एपिथेलियम है जिसमें सेल क्या होते हैं फ्लैट एंड होते हैं, चपटे चपटे होते हैं। अच्छा इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एक डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना। तो ये किसमें पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स में पाए जाते हैं, लंग्स में पाए जाते हैं। हाँ तो ये कहाँ पाए जाते हैं, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। तो पहले ए का क्या हो गया, 4 हो गया। उनका काम क्या होता है, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना। हाँ अब देखना, जिससे O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन हो सके। अब देखना ये क्या, ये ए का क्या हो गया 4, तो ए का थर्ड नहीं होगा, ए का सेकंड नहीं होगा, तो ये बी एंड सी ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमारे 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 पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, ए एंड डी। अब देखना क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब जिसमें क्या होते हैं सेल जो होता है, भाई ये सिंपल एपिथेलियम है तो एक ही लेयर के होंगे और उस लेयर में जो सेल होंगे वो क्या होंगे, क्यूब की तरह होंगे। हाँ किसकी तरह होंगे, क्यूब की तरह होंगे। अब देखना ये किसमें पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी में पाए जाते हैं। तो क्या हो गया, बी का हो गया 5। अच्छा इनका फंक्शन क्या होता है, क्यूब लाइक सेल होते हैं, इनका फंक्शन होता है मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, किसी चीज को एब्जॉर्ब एंड सिक्रीट करना। हाँ तो बी का क्या हो गया 5, और यहाँ भी बी का 5 दिया। अभी हमारा दोनों में से और दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट नहीं हो पाया है। कॉलमनर एपिथेलियम वही एपिथेलियम होते हैं जिसमें जो होता है सेल जो होते हैं लंबे लंबे टॉल सिलेंडर सेल होते हैं, पतले पतले लंबे लंबे सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, बेस पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। ये लाइनिंग बनाते हैं किसका, ये लाइनिंग बनाते हैं स्टमक एंड इंटेस्टाइन का, क्या बनाते हैं लाइनिंग बनाते हैं। तो सी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ये देखो यहाँ पर गलत हो गया, सी का थर्ड दिया, तो सी का फर्स्ट हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन और भी आगे हम देख लेते हैं। अच्छा इनका काम क्या होता है, कॉलमनर एपिथेलियम का इनका भी मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का काम होता है। अब देखना क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम हो सकता है इनके पास सिलिया पाए जाए, तो इन्हें बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। पूछ लेगा बताओ सिलिएटेड एपिथेलियम कौन नहीं हो सकते, तो स्क्वैमस एपिथेलियम में सिलिया नहीं पाया जा सकता, या तो क्यूबॉइडल में पाया जाएगा या तो कॉलमनर में पाया जाएगा। हाँ अब देखना तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है ये पाया जाता है ब्रंकवायर्स एंड फाइलोपियन ट्यूब्स, कहाँ पाए जाते हैं ब्रंकवायर्स में एंड फाइलोपियन ट्यूब्स। सिलिया पाए जाने की वजह से ये किसी भी पार्टिकल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फेंक देते हैं, हाँ मूव कराते हैं। चलो अब देखते हैं उसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियम, फिर वही बात हो गई, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर सेल जो होता है वो सिक्रीशन के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं क्या करने के लिए, कुछ ना कुछ सिक्रीट करने के लिए। हमें पता है कोई सेल या कोई टिश्यू कुछ सिक्रीट करने लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कौन कौन, क्यूबॉइडल एंड कौन कॉलमनर, यहाँ फिर अगेन वंस अगेन कौन नहीं मॉडिफाइड हो रहा है, स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं मॉडिफाइड हो रहा है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है वो किसमें पाया जाता है, ग्लैंडुलर, देखो भाई अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है वो सिंगल सेल मॉडिफाइड हुआ है तो उसे यूनिसेलुलर ग्लैंड बोलेंगे, हो सकता है वो ग्रुप ऑफ द सेल मॉडिफाइड हो जाए तो उसे मल्टी सेलुलर बोलेंगे। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल होता है गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल जो एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है वो सिक्रीशन करने लगता है। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल होता है स्लाइडरी ग्लैंड। तो कुल मिला जुला के ई का क्या हो गया, थर्ड हो गया, बात एकदम क्लियर है। चलो इसी बहाने हमारा सब कुछ क्लियर भी हो जा रहा है, हमारा कोई सेशन भी अच्छे से तुम क्वेश्चन का जवाब भी दे पा रहे हो, हमारा सब कुछ क्लियर रिविजन भी हो जा रहा है। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम तुम्हें इसमें मौका दे रहे हैं, मौका क्या देंगे, हम पूछते जा रहे हैं तुम बताते जाओ, जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठो। हाँ अब देखना कह रहा है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। हाँ एक्सो तुम्हें बताना है इसमें से 4 स्टेटमेंट दिए, कौन सा स्टेटमेंट किसको फॉलो कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट एक्सोक्राइन को फॉलो कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट एंडोक्राइन को फॉलो कर रहा है। तो तुम्हें क्या बताना है, चलो हम पूछते जा रहे हैं। कह रहा है देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन एंड सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू फ्लूड बाथिंग ग्लैंड। हाँ तो ये बताओ ये स्टेटमेंट किसको फॉलो कर रहा है, ये स्टेटमेंट किसको फॉलो कर रहा है, एंडोक्राइन को। कह रहा है सिक्रीट म्यूकस, म्यूकस, स्लाइवा,
ईयर वैक्स हो गया, ऑयल हो गया, और मिल्क हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया, अदर प्रोडक्ट हो गया, ये कौन किसके द्वारा सिक्रेटेड, ये स्टेटमेंट किसको फॉलो कर रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड को। अच्छा कह रहा है डक्ट किसके पास नहीं पाया जाता, डक्ट किसके पास नहीं पाया जाता, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास नहीं पाया जाता। हाँ अच्छा, डक्ट किस में पाया जाता है, डक्ट पाया जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। बात एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें हम तुम्हें मौका देंगे 15 सेकंड का। चलो अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, बताओ भाई आंसर क्या होगा, लिख लो अपने कॉपी में, जल्दी से लिखो। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इन करेक्ट पूछा है। नॉट करेक्ट कुछ लोग होता है नॉट भूल जाते हैं, और करेक्ट ही पढ़ लेते हैं, और करेक्ट गोले में कर लेते हैं, गोले में करना है क्योंकि हम पूरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा करेक्ट ढूंढना था या नॉन करेक्ट, तो करेक्ट को तुरंत, करेक्ट या नॉन करेक्ट दिया हो तुरंत गोले में लेना। हाँ अच्छा अब देखना, अच्छा यहाँ इज आर लिखा, मतलब एक स्टेटमेंट भी गलत हो सकता है और बहुत स्टेटमेंट भी गलत हो सकते हैं। कह रहा है कंपाउंड टिश्यू का मेन रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, जबकि गलत है, मेन रोल नहीं होता, इनका लिमिटेड रोल होता है किसमें, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। हाँ अब देखना, कह रहा है देयर फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये जो होता है मल्टी लेयर्ड होते हैं, तो ये किसके किसके प्रति प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मान लो हमारे स्किन पर कोई कोई मान लो केमिकल छिड़क, कोई केमिकल फेंक देता है तो हमारा स्किन तुरंत जल नहीं जाता, क्यों, क्योंकि वो कंपाउंड टिश्यू बचाते हैं से अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस के प्रति हमें रक्षा प्रोवाइड करते हैं। अब कह रहा है कवर अ ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन को कवर करते हैं, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के मॉइस्ट सरफेस को, और फेरिंग्स को भी क्या करते हैं, ये फेरिंग्स को भी क्या करते हैं, कवर करते हैं, लाइनिंग बनाते हैं डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, गलत हो गया। हाँ तो कितने स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड फोर्थ, देख लेते हैं ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। हाँ क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम तुम्हें दे रहे हैं, चलो हम इसमें मौका दे क्या देंगे, हम पूछते जा रहे हैं तुम्हें बताते जाना। हाँ बहुत ही सिंपल सा है, चलो अरे कोई बात नहीं, चलो अच्छा ये बताओ टाइट एडरिंग गैप जंक्शन। हाँ हम जानते हैं सेल में कई टाइप के जंक्शन पाए जाते हैं, टाइट एडरिंग गैप, तो तुम्हें बताना कौन सा स्टेटमेंट किसको फॉलो कर रहा है। तो चलो बताना, ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फैसिलिटेट द सेल कम्युनिकेट, ये दो सेल होते हैं उनमें क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाता है। हाँ कनेक्टिंग बाई साइटोप्लाज्म, इनका साइटोप्लाज्म क्या होता है, दोनों का साइटोप्लाज्म क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है बाई ऑफ एडजॉइनिंग, मतलब बगल वाले सेल से, फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, इसमें से आयन भी एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है, स्मॉल मॉलिक्यूल, और कभी कभी क्या होता है बड़े मॉलिक्यूल भी एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है गैप जंक्शन को। हाँ अब कह रहा है हेल्प टू स्टॉप, हेल्प टू स्टॉप, तुम ऐसे 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 याद कर सकते हो, गैप दोनों के, दोनों सेल के बीच में थोड़ा सा गैप पाया जा रहा था, अभी तो मॉलिक्यूल इधर से उधर जा रहे हैं। कह रहा है हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, हाँ मतलब एक सेल से दूसरे सेल में कुछ लीक ना हो पाए इसके लिए क्या होता है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में कुछ लीक ना हो पाए इसके लिए क्या होता है, स्टॉप मतलब कुछ सब्सटेंस लगे होते हैं जो स्टॉप करते हैं लीकिंग को। अच्छा ये किसमें होता है, अच्छा कब लीकिंग, जब टाइट एकदम कोई टाइट अटैचमेंट होगा तभी तो लीकिंग रुकेगा, तो ये किसका होगा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा, इसलिए होगा टाइट जंक्शन। हाँ अब कह रहा परफॉर्म सीमेंटिंग, एक नेवरिंग, नेवरिंग मतलब होता है बगल वाले को दूसरे से जोड़ना है, तो यहाँ क्या होता है सेमेंटिंग की जाती है। हाँ सेमेंटिंग टू कीप नेवरिंग सेल टुगेदर, ताकि दोनों सेल आपस में बने रहे, तो इसमें दोनों सेल आपस में चिपके रहे, चिपकना, चिपकने को क्या बोलते हैं एडरिंग। हाँ तो ये किसका, ये कौन सा, ये स्टेटमेंट किसको फॉलो कर रहा है, एडरिंग जंक्शन। अच्छा डेस्मोसोम किसको बोलते हैं, डेस्मोसोम भी कह सकते हैं एडरिंग को ही। हाँ अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 15 सेकंड का। हाँ 15 सेकंड का मौका दे रहे हैं, जल्दी बताओ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा माइन्यूट सा इसे गलती नीट करा देगा तो परेशान हो जाओगे। हाँ
इसीलिए हम पहले करते चलते। चलो अब देखना, कह रहा विच ऑफ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहले क्या करेंगे, इनकरेक्ट को गोले मिलेंगे। हाँ, इनकरेक्ट को गोले लेंगे किसके अनुसार, कनेक्टिव टिश्यू के अनुसार। कह रहा कनेक्टिव टिश्यू जो होता है मोस्ट अबेंडेंट, बहुत सही बात है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट, नहीं भाई कॉम्प्लेक्स एनिमल में होता है। तो यहाँ क्या हो गया स्टेटमेंट, यहां तक स्टेटमेंट, देखो भाई कहाँ गया, यहां तक स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक वर्ड की वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम यही थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आंसर लगा देते हैं। तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी हमारे लिए। हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे। लेकिन और देख लेते हैं, अच्छा ये कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट क्यों होता है भाई, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके बाद बोन भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, टेंडन लिगामेंट सब कुछ क्या होता है, उसके एडिपोज टिश्यू फैट ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो क्या है, तो ये सब कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो इसीलिए भाई अब हमारे बॉडी में ब्लड भी पाया जा रहा है, बोन भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये सब क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कह रहा फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उनको, उनका फंक्शन जो होता है कनेक्ट करना, चीजों को लिंक करना एंड सपोर्ट टिश्यू द ऑर्गन ऑफ बॉडी। ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ दिया जाए, बाकी सब क्या सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट अ फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिसे क्या कहा जा सकता है, कोलेजन या इलास्टिन कहा जा सकता है। अब ये क्या करते हैं, फाइबर क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सीबिलिटी टू द टिश्यू। अच्छा, ये बात बताओ कि ब्लड क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है फाइबर, कि इसलिए नहीं प्रोड्यूस करता। देखो किसी भी कनेक्टिव टिश्यू होने के लिए उसमें तीन चीजें चाहिए, पहली बात तो सेल, दूसरी बात क्या फाइबर, तीसरी बात क्या मैट्रिक्स। अगर कुछ भी इसमें से नहीं रहेगा तो उसे बोलेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, क्या बोलेंगे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू होने के लिए क्या चाहिए, सेल चाहिए, फाइबर चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए, इसीलिए ब्लड को स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, क्योंकि उसमें फाइबर एब्सेंट होता है। अच्छा फाइबर क्यों एब्सेंट होता है भाई, फाइबर मतलब रेसा, अगर ब्लड वेसल्स में रेसा रेसा डाल दिया जाए तो ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है। हाँ, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, बंदा तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मर जाएगा। हाँ, क्योंकि ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम तुम्हें मौका देंगे 15 सेकंड का, 15 सेकंड का मौका दे रहे हैं, जल्दी से किसको करो। इसमें तो भाई 10 सेकंड का तुम्हें कह दो, सब 10 सेकंड का मौका दो, क्योंकि हम मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन तुरंत मिला देंगे। चलो देखते हैं, देखो भाई क्या है, हमें पता है, हमने देखा क्या, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू हमने बताया, कनेक्टिव टिश्यू हमने बताया, ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, आराम से समझ लेना। कनेक्टिव टिश्यू हमने बताया कि दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है, एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक क्या होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एक क्या होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा क्या होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब सेल एंड फाइबर इसमें क्या होंगे, लूजली अरेंज होंगे। हाँ, इसमें क्या होंगे, लूजली अरेंज होंगे। इसमें क्या होंगे, सेल्स क्या होंगे आपस में, मैट्रिक्स में सेल्स क्या होंगे, टाइटली अरेंज होंगे, तो उसे बोला जाता है डेंसली अरेंज होंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। अच्छा इसमें दो एग्जाम्पल देखते हैं, एक देखते हैं एरियोरल, एक देखते हैं एडिपोज। बहुत ही कंफ्यूजन होता है, एरियोरल और एडिपोज किसमें आते हैं, लूज में आते हैं या डेंस में आते हैं। तो ये किसमें आएंगे, लूज में आएंगे। और डेंस में हम देखते हैं, डेंस में एक पढ़ते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एक पढ़ते हैं डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एक में क्या पढ़ते हैं, रेगुलर। अच्छा रेगुलर में ही देखते हैं टेंडन एंड लिगामेंट, क्या देखते हैं टेंडन एंड लिगामेंट। तो कुल मिला जुला के कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का, दो टाइप का, एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के, फर्दर दो टाइप के, मतलब इसमें दो एग्जाम्पल दे सकते हैं, एरियोरल दे सकते हैं, उसके बाद क्या दे सकते हैं एडिपोज दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखना एक एक करके बात करते हैं। तो ये अच्छा बताओ ये दोनों क्या है, ये दोनों है लूज कनेक्टिव टिश्यू और ये क्या है, ये है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बात एकदम क्लियर है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा आप देखते हैं एरियोलर 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 टिश्यू देखते हैं। हाँ, एरियोलर टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, बीनीथ द स्किन, स्किन के क्या पाया जाता है, नीचे पाया जाता है, जो स्किन का क्या बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है, एपिथेलियम को क्या देता है, सपोर्ट देता है। एपिथेलियम के नीचे क्या पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। हाँ, और उसके नीचे मसल्स पाया जाता है। तो एपिथेलियम को मसल्स से जोड़ने वाला कौन होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। अच्छा ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट बनाते हैं फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। तो ए का क्या हो जाएगा, फाइव, ए का फाइव हो जाएगा, मतलब ये ए का यहाँ क्या दिया, थर्ड दिया, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ए का फर्स्ट दिया, ये ऑप्शन कैंसिल। अच्छा अब देखना उसके बाद अगर हम बात करते हैं
एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं तो एडिपोज टिश्यू वही जब हम खाना ज्यादा खा लेते हैं और खाना हमारा मतलब जितना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है मतलब ढेर सारा ग्लूकोज बन जाता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जब हद से ज्यादा हमारी जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज बन जाता है तो फैट में स्टोर हो जाता है, वो स्टोर किसमें होता है एडिपोज टिश्यू में। तो एडिपोज क्या करता है स्टोर फैट, तो बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट, हाँ बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। अब देखते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आता है एग्जाम्पल टेंडन लिगामेंट, टेंडन मतलब सेल और फाइबर क्या होता है आपस में क्या होते हैं डेंस डेंस आपस में क्या, देखो डेंस रेगुलर ये क्या है डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर क्या है, इस ये क्या होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें क्या होता है सेल एंड फाइबर क्या होते हैं दोनों आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, और डेंस रेगुलर में क्या होता है ये जो फाइबर होता है उनका अरेंजमेंट एक रेगुलर वे में होता है, एक दूसरे के पैरेलल एक रेगुलर वे में क्या होता है अरेंजमेंट होता है। और डेंस इरेगुलर नाम से ही पता चला है इरेगुलर मतलब इसमें फाइबर कोलाइजन फाइबर जो होता है उसका अरेंजमेंट जो होता है इरेगुलरली होता है मतलब डिफरेंटली होता है। रेगुलर में एग्जांपल आता है टेंडन एंड लिगामेंट, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा फोर्थ, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। हाँ टेंडन जो होता है वही होता है जो स्केलेटल मसल्स को, स्केलेटल मसल्स हाँ स्मूथ मसल्स कार्डियक मसल्स नहीं, स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं टेंडन, और बोन को बोन से जो जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं लिगामेंट। हाँ इतनी बात एकदम क्लियर है। और डेंस इररेगुलर टिश्यू का एग्जांपल होगा क्या स्किन, क्या होगा स्किन। अच्छा स्पेशलाइज्ड कनेक्टेड टिश्यू का क्या एग्जांपल होता है, कार्टिलेज होता है, बोन होता है, ब्लड होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम इसमें तुम्हें मौका दे रहे हैं सिर्फ 10 सेकंड का। हाँ अब हमारी बात क्लियर हो गई होगी एकदम कि टिश्यू कितने टाइप के, 4 टाइप के, उसमें कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के, उसमें एपिथिलियम कितने टाइप के, कनेक्टिव कितने टाइप के, ये सब पता चल गया होगा। हाँ इसका एक चार्ट बना के पढ़ लो पूरा। हाँ चार्ट हमने बनवाया क्लास में। कह रहा चूज द करेक्ट मैच पेयर, करेक्ट मैच पेयर चूज करना है। कह रहा टेंडन जो होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, हमें पता है टेंडन जो होता है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में, लूज कनेक्टिव टिश्यू में किसके टेंडन जो होता है वो किसमें आता है, टेंडन जो होता है हमें पता है कि ये जो होता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है, टेंडन जो होता है वो क्या होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, देखो किसमें आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू के, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आता है, किसमें आता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आता है, लूज में नहीं आता। हाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, अब देखना चार्ट बना के पढ़ लोगे, 2-3 बार लिख के पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। कह रहा है एडिपोज टिश्यू जो होता है वो कह रहा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज जो होता है वो क्या होता है एरियोलर हो गया, एडिपोज हो गया, ये क्या हो गया ये होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, कह रहा है एरियोलर जो होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कॉर्टिलेज हो गया वो क्या होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, कॉर्टिलेज जो होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हो गया, बात एकदम क्लियर है। ये क्या होगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये भी गलत है तो करेक्ट वाला ढूंढना है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। हाँ हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक क्या होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के, 2, एरियोलर हो गया, उसके बाद क्या हो गया एडिपोज हो गया, और ये कितने टाइप के हो गए 2, इसमें कौन कौन सा हो गया, इसमें एक रेगुलर हो गया, एक क्या हो गया इररेगुलर हो गया। अच्छा रेगुलर में कौन आएंगे, टेंडन एंड लिगामेंट, बात एकदम क्लियर है तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम तुमसे पूछते जाएंगे तुम बताते जाना। हाँ चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कॉर्टिलेज बोन और ब्लड, क्या कौन कौन दिया है, कॉर्टिलेज दिया है, बोन दिया है, ब्लड दिया है। अब इसमें तुम्हें बताना है सॉलिड पैलिएबल, ये स्टेटमेंट किसको फॉलो कर रहा है इन तीनों में से, सॉलिड भी होता है पैलिएबल भी प्लायबल भी होता है, उसके बाद जो होता है रजिस्ट कंप्रेशन, वो कंप्रेशन को झेल सकता है, ये किसके लिए है, ये है कॉर्टिलेज, किसके लिए ये कौन करता है कॉर्टिलेज। कह रहा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है ये किसके लिए, ब्लड के लिए, ब्लड होता है। हार्ड नॉन प्लायबल, नॉन प्लायबल मतलब लचीला नहीं होता, ग्राउंड टिश्यू रिच इन कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट पाया जाता है, एंड कोलेजन फाइबर, ये किसके लिए है बोन के लिए। हाँ प्रेजेंट इन टिप ऑफ द नोज, ये नोज के टिप पे पाया जाता है, और क्या पाया जाता है आउटर ईयर ज्वाइंट में बिटवीन द एडजेसेंट बोन, हाँ एडजेसेंट बगल वाले बोन में, जैसे रिब्स वर्टिब्रल कॉलम हो गया उसके बीच में पाया जाता है, लिम्स एंड हैंड इन एडल्ट में पाया जाता है, तो ये कौन है ये को इसको फॉलो कर रहा है कॉर्टिलेज को फॉलो कर रहा है। हाँ अब देखना कह रहा है मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेम, ढांचा बनाता है अब बॉडी, तो स्ट्रक्चरल फ्रेम मेनली कौन बनाता है बोन, वैसे कौन मदद करता है बोन को, मदद करता है कौन कॉर्टिलेज भी मदद करते हैं, लेकिन मेनली कौन बनाता है बोन। कह रहा ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट सुनते ही हम क्या लगाएंगे बोन, ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट इन द स्पेस जिसका जिसे क्या कहा जाता है लाइकनी कहा जाता है। हाँ तो ये क्या होगा बोन के लिए होगा। हाँ
अब देखना, उसके बाद बात करते हैं सेल ऑफ दिस टिश्यू, कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट कहा जाता है इंक्लोज्ड विद स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स। इसे क्या बोला जाता है, इसको फॉलो कर रहा है, कॉटेज को फॉलो कर रहा है। कह रहा है इट इज मेन मेन सर्कुलेटरी, इट इज मेन सर्कुलेटिंग फ्लूड, इट इज मेन सर्कुलेटिंग फ्लूड दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। तो ये किसके लिए बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ब्लड के लिए। किसके लिए बात कर रहा है, ब्लड के लिए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें तुम्हें क्या करना है, देखना भाई, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, बताना टाइप ऑफ मसल्स, कौन कौन से मसल्स हैं उसके एग्जाम्पल, 10 सेकंड का मौका दे रहे हैं हम तुम्हें। हाँ दस सेकंड का मौका दे रहे हैं तुम्हें। चलो तो तुम्हें पहचाना है, डायग्राम देख के तुम्हें पहचानना है कि कौन कौन से मसल्स हैं। तो देखना भाई ये कौन सा मसल्स है, ये कौन से मसल्स हैं, ये है, ये कौन सा मसल्स है, ये है स्केलेटल मसल्स। कौन सा मसल्स है, स्केलेटल्स। ये है स्मूथ मसल्स, कौन सा है, स्मूथ मसल्स। और ये कौन सा है, कार्डियक मसल्स। अच्छा ये कैसे होते हैं, ये स्ट्रिएटेड होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रिप्ड इन अपीयरेंस, स्ट्रिएटेड होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, तभी ये स्मूथ होते हैं। ये भी क्या होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं। बात एकदम क्लियर है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं वॉलंट्री होते हैं। क्या होते हैं, वॉलंट्री। वॉलंट्री मतलब जो हमारे बस में होते हैं, जैसे बाइसेप ट्राइसेप जब भी चाहे हम घुमा ले, लेकिन हम दिल को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। ये भी इनवॉलंट्री होते हैं। जैसे कार्डियक कहाँ पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है। और स्टमक, अब ये हमारा इंटेस्टाइन हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे मतलब हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है कि हम चाहे तो इंटेस्टाइन से खाना अभी स्टमक से इंटेस्टाइन में डाल दे और इंटेस्टाइन से निकाल के स्टमक में डाल दे। तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये भी क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। अच्छा ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स में। अच्छा ये कहाँ पाया जाता है, स्मूथ मसल्स, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इसमें क्या पाया जाता है, स्मूथ मसल्स। और कार्डियक नाम से पता चल रहा है ये कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं। बात एकदम क्लियर है। चलो अब इसमें हम तुम्हें मौका देंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में मौका देंगे 15 सेकंड का। चलो तुम ले जाओ 20 सेकंड। चलो देखना दोस्तों, अब देखते हैं आखिर में कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है नर्वस टिश्यू मेडअप ऑफ, नर्वस टिश्यू जो होता है वो बना होता है न्यूरॉन्स, किससे बना होता है, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल न्यूरोग्लियल सेल। हमें पता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दीज टू सेल्स आर फॉल्स, इज आर फॉल्स। हाँ कौन सा इसमें गलत स्टेटमेंट दिया इन दोनों के बारे में। तो पहले इसको गोले में ले लेंगे। कह रहा है न्यूरोन, न्यूरोन जो होता है वो यूनिट होता है न्यूरल सिस्टम का और एक्साइटेबल सेल। ये क्या होते हैं, एक्साइटेबल सेल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है न्यूरोग्लियल सेल हाँ मेक अप मोर देन वन हाफ वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। ये भी सही है। आधा से ज्यादा कौन न्यूरल टिश्यू का कौन बनाता है, न्यूरोग्लियल सेल बनाते हैं। कह रहा है वह न्यूरॉन इज सुइटेड सुइटेबली हाँ स्टिमुलेट किया जाए, सुइटेबली स्टिमुलेट किया जाए न्यूरॉन को, इलेक्ट्रिक डिस्टरबेंस जनरेट विथ स्विफ्टली, जो धीरे से ट्रेवर्स करते हैं कहाँ, सिस्टॉल पे नहीं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। क्या कह रहा है, न्यूरोग्लियल सेल जो होता है वो प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करता है न्यूरॉन को, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा स्टेटमेंट, ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर, इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, मौका ही नहीं देंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। कह रहा है ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। तो ह्यूमन हार्ट में भैया देखो एपिथेलियल भी पाया जाता है, कनेक्टिव भी पाया जाता है, मस्कुलर भी पाया जाता है, न्यूरल भी पाया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। हाँ चलो अब अर्थवॉर्म के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तुम कॉपी पेन लेकर बैठे हो ना, जल्दी से भड़ा 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 ये हम पूछते जा रहे हैं, तुम बताते जाओ लिखते जाओ। हाँ चलो अब कह रहा है अर्थवॉर्म इज रेडिश ब्राउन, बिल्कुल सही बात है। ये टेरेस्ट्रियल भी होता है, जमीन पे ही पाया जाता है, आसमान पे तो पाया नहीं जाता, मतलब एक। हाँ अब कह रहा है वर्टिब्रेट, क्या स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये क्या होता है, वर्टिब्रेट नहीं होता है, इनवर्टिब्रेट होता है। पूरा स्टेटमेंट को हमें पढ़ना। हाँ कह रहा है द कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म, द कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म क्या होता है, फेयर टाइमा होता है, और क्या होता है, लुम्ब्रिकस होता है। हाँ फेयर टाइमा लुम्ब्रिकस जो होता है वो क्या होते हैं, इंडियन कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म होते हैं। कह रहा है मेटामेयर, बताओ इसमें मेटामेयर, इनकी बॉडी डिविजिबल होती है, कितने रिंग पाए जाते हैं, कितने भागों में डिवाइड होती है।
तो कितने भागों में? 100 से, जल्दी से, 100 से 120 हो सकती है। हाँ कह रहा है, बताओ ये स्टेटमेंट सही है। डोर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी इज मार्क्ड बाय प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल ओपनिंग, मतलब डोर्सल सरफेस को पहचाना जा सकता है जेनाइटल ओपनिंग। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि डोर्सल साइड पे क्या पाया जाता है? मिड लाइन पे क्या पाया जाता है? ब्लड वेसल्स पाया जाता है, उसके द्वारा हम ब्लड वेसल्स को देखकर पहचानते हैं कि ये डोर्सल साइड है। अब दूसरा देख, पांचवा देख लो, पैराबेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस जो होता है डिस्टिंग्विश्ड अलग किया जा सकता है भाई मिड ब्लड वेसल, देखो दोनों में उल्टा कर दिया। यहाँ वेंट्रल साइड को हम पहचानते हैं जेनाइटल पोर द्वारा, किसके द्वारा पहचानते हैं? जेनाइटल ओपनिंग द्वारा। हाँ अब देखना, अगर दोनों स्टेटमेंट को उल्टा कर दो, यहाँ ब्लड वेसल्स के तो यहाँ जेनाइटल ओपनिंग कर दो, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया? पूरी तरीके से गलत हो गया। कह रहा है एंटीरियर एंड, अर्थवाओं का जो एंटीरियर एंड होता है कंसिस्ट ऑफ माउथ एंड, एंटीरियर एंड पे माउथ पाया जाता है एंड प्रोस्टोमियम पाया जाता है। अच्छा प्रोस्टोमियम जानते हैं, सेंसरी होता है फंक्शन में, क्योंकि उसे गड्ढा कहाँ करना है? ये बरो बरो क्या बनाते हैं? गड्ढा बनाते हैं जमीन के अंदर, वहीं रहते हैं। तो बरोइंग कहाँ करना है ये कौन डिसाइड करता है? ऐसा नहीं पत्थर पे छेद करने चले गए तो लगड़ा जाएगा ना, उनका स्टिंग टूट जाएगा। तो प्रोस्टोमियम बताता है भैया कहाँ गड्ढा करना है, कहाँ नहीं करना है। चलो अब देखना, कह रहा है फर्स्ट बॉडी, बताना ये स्टेटमेंट सही है गलत है। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड प्रोस्टोमियम, या बक्कल सेगमेंट बोल सकते हैं। हाँ विच कंटेन माउथ, जिसके पास क्या होता है? माउथ होता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ अब देखना, कह रहा सीटी कैन एक्सटेंडेड, सीटी 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 जो होता है, सीटी बजाने वाला नहीं है, अर्थवाओं में पाया जाता है। सीटी जो होता है वो एक्सटेंड भी कर सकता है और रिट्रैक्ट भी कर सकता है। हाँ हाँ कह रहा है इनका प्रिंसिपल रोल होता है डिफेंस करने में, अपना बचाव करने में। नहीं भाई गलत हो गया ये स्टेटमेंट, इनका प्रिंसिपल रोल होता है लोकोमोशन में, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम तुम्हें मौका दे रहे हैं टोटल 20 सेकंड का। चलो हमने टाइमर लगा दिया है। चलो देखते हैं, कह रहा है क्लाइटेलम, हम जानते हैं क्लाइटेलम एक प्रोमिनेंट डार्क बैंड होता है अर्थवॉर्म पे। हाँ ये ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। अच्छा कौन से सेगमेंट पे पाया जाता है? ये पाया जाता है मैच्योर वॉर्म में पाया जाता है, जो मैच्योर हो चुके होते हैं, ये पाया जाता है 14 से 16वें सेगमेंट पे। हाँ और कह रहा है स्पर्मेटिकल अपरेचर, स्पर्मेटिकल अपरेचर मतलब होता है स्पर्मेटिकी है उस पे एक अपरेचर, उसमें क्या स्टोर होता है? स्पर्म, कुछ ना कुछ स्पर्म स्टोर होने का काम करेगा। हाँ ये इसे बोला जाता है स्पर्मेटिकल अपरेचर और इसे बोला जाता है स्पर्मेटिकी। हाँ अब देखना स्पर्मेटिकल अपरेचर कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? देखना ये पाया जाता है, ये पाया जाता है, ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? ये पाया जाता है 5 से 9 सेगमेंट पर। हाँ 5 से कितने पाया जाता है? 9 सेगमेंट, इंटर सेगमेंटल मतलब दो सेगमेंट के बीच में पाया जाता है। अब उसके बाद कह रहा है फेमाइल, फीमेल जेनाइटल पोर, फीमेल जेनाइटल जेनाइटल पोर किस पे पाया जाता है? फीमेल जेनाइटल पोर पाया जाता है 14 सेगमेंट पे। किस पर पाया जाता है? चलो हम पहले करते चल रहे हैं, यहाँ ऑप्शन तो चूज करते चले। ए का क्या होगा? सेकंड होगा। तो ए का थर्ड यहाँ दिया है, ए का 5 दिया है, ए का सेकंड यहाँ दिया है, ए का सेकंड मतलब हमें बी और सी से मतलब ही नहीं है। अब कह रहा है इसका क्या दिया? स्पर्मेटिकल अपरेचर 4th दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी का क्या हो जाएगा? 4th, मतलब बी भी हमें ए एंड डी से मतलब है। सी फीमेल जेनाइटल पोर, ये कहाँ पाए जाते हैं? देखना फीमेल जेनाइटल पोर कहाँ पाए जाते हैं? ये मिड वेंट्रल, कहाँ पाए जाते हैं? वेंट्रल साइड पे, बीच में पाए जाते हैं, मिड वेंट्रल पाए जाते हैं। हाँ मिड वेंट्रल साइड पे पाए जाते हैं 14 सेगमेंट पर। तो क्या हो गया? सी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो गया? ये गलत हो गया, सी का थर्ड हो गया। हाँ अब देखना, अगर बात करते हैं उसके बाद, अगर बात करते हैं, थोड़ा करेक्शन है यहाँ, ई कर लेना पूरा। हाँ चारों स्टेटमेंट में ई कर लेना, मतलब यहाँ ई दिया है। हाँ चलो ये वाली लाइन पूरे, इसके बाद क्या है? ई है। चलो उसके बाद कह रहा है मेल जेनाइटल पोर, मेल जेनाइटल पोर कहाँ पाया जाता है? मेल जेनाइटल पोर पाया जाता है 18 सेगमेंट का। तो डी का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अच्छा 18 सेगमेंट पे कहाँ? वेंट्रोलेट्रल, मतलब वेंट्रल पाया जाता है लेटरल साइड पे। हाँ वेंट्रोलेट्रल पाया जाता है। अच्छा सीटी कहाँ पाया जाता है? सीटी पाया जाता है पहला पहला और लास्ट, और क्लाइटेलम को छोड़कर बाकी पहला सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट और 14 से 16 सेगमेंट को छोड़कर बाकी सब सकर कहाँ पाए जाते हैं? सीटी पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं? एपिडर्मल पिट्स में धंसे होते हैं। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। चलो इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं सिर्फ 15 सेकेंड का, जल्दी बताओ। मैं
चलो देखते हैं, कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर यू विल फाइंड इन द बॉडी वॉल फ्रॉम अर्थवॉर्म। अगर अर्थवॉर्म को काटते हो, मान लो अर्थवॉर्म को हमने काटा, और इसको अर्थवॉर्म को हमने काटा, इसको सामने से देखेंगे तो क्या दिखेगा, गोल गोल दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, इसमें कितने वॉल पाए जाते हैं, आउटर से कहाँ जाना है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो देखते हैं सबसे पहले एपिडर्मिस, सबसे पहले एपिडर्मिस नहीं, यहाँ एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल पाए जाते हैं हमें पता है, लेकिन एपिडर्मिस को सिक्रीट करता, उसे क्या बोलते हैं, नॉन सेलुलर क्यूटिकल। उसके ऊपर क्या पाया जाता है, नॉन सेलुलर क्यूटिकल पाया जाता है। तो एपिडर्मिस वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड जाना है, सिलोमिक एपिथिलियम एकदम अंदर पाया जाता है। तो हम देखो हमारा आंसर निकल के आ गया। हाँ, और दूसरा क्या है, एपिडर्मिस, इसके नीचे क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस। हाँ देखो ये एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है सर्कुलर, क्या पाया जाता है, सर्कुलर मसल्स। उसके बाद पाया जाता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, क्या पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। उसके सबसे अंदर पाया जाता है क्या, सिलोमिक एपिथेलियम। बात एकदम क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो अब इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, मौका क्या देंगे, चलो हम तुम्हें बता दे रहे हैं, मौका काफी तुम देंगे। तुम्हें बताना है ये ऑर्गन दिया है, यहाँ सेगमेंट लिखना है। हाँ यहाँ क्या लिखना है, सेगमेंट लिखना है। तुम्हें बताना है बक्टल कैविटी अर्थवॉर्म में किस पोजीशन पे पाए जाते हैं, कितने कितने से कितने सेगमेंट पर, वैसे मैस्कुलर फायरिंग, वैसे ये सब का क्या लिखना है, सेगमेंट लिखना है। तुम सोच लो, हम तुम्हें 10 सेकंड का मौका दे रहे हैं, सोचो, लिखते चलो। अच्छा लिख दो, जल्दी जल्दी लिख दो, घसीट दो सही, मतलब पूरा डिजाइन बना के नहीं लिखना है। चलो अब हम देखें, चलो हम देखते हैं, कह रहा है, कह रहा है टर्मिनल माउथ होता है, मतलब सबसे ऊपर क्या होता है, माउथ, उसके बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का सेगमेंट क्या होता है, 1 से 3, ये कितने सेगमेंट पर पाए जाते हैं, 1 से 3। मस्कुलर जो फायरिंग्स होता है, मस्कुलर फायरिंग्स जो होता है वो कितने सेगमेंट पर पाया जाता है, 4th। अच्छा इसोफेगस जो होता है, मोबाइल में बज रहा है भाई, इसोफेगस जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, 5 से 7, कहाँ तक पाया जाता है, 5 से 7। स्मॉल नैरो ट्यूब होते हैं, इसोफेगस क्या होता है, स्मॉल होता है, नैरो होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा मस्कुलर गिजार्ड, मस्कुलर गिजार्ड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, 8 से 9 सेगमेंट, किस पर पाया जाता है, 8 से 9 सेगमेंट। अच्छा इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ग्राइंडिंग, किसी चीज को तोड़ना। स्टमक कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, 9 से 14 सेगमेंट, 14। और इंटेस्टाइन कहाँ से पाया जाता है, 15 से लास्ट, कहाँ से कहाँ तक, 15 से लास्ट लास्ट सेगमेंट तक कहाँ पाया जाए, कौन पाया जाएगा, इंटेस्टाइन। अब देखना, ये देखना यहाँ जो होता है, स्टमक में कुछ कैल्सीफेरस ग्लैंड होते हैं, क्या होते हैं, कैल्सीफेरस ग्लैंड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो ह्यूमस, जो जैसे वो ह्यूमस खाया, हाँ ह्यूमस को खाया, उसमें जो ह्यूमिक एसिड होते हैं उसको क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज द ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमस। कौन करता है, कौन करता है, कैल्सीफेरस ग्लैंड, कहाँ पाया जाता है, स्टमक में। स्टमक की पोजीशन क्या है, 9 से 14। 1 से 3 क्या हो गया, बक्टल कैविटी, मस्कुलर फायरिंग 4 हो गया, 5 से 7 क्या हो गया, इसोफेग, 5 से 7 क्या हो गया, इसोफेगस हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 8 से 9 क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। उसके बाद 9 से 14 क्या हो गया, स्टमक हो गया। उसके बाद इंटेस्टाइन, 15 से लास्ट। अच्छा टिफ्लोसोल क्या होता है, ये जो होता है इंटरनल फोल्ड होता है, क्या होता है, इंटरनल मीडियल फोल्ड होता है, जो क्या होता है, देखो भाई पूरा यहाँ तो समझा नहीं सकते, बस इसकी पोजिशन देख लेना। हाँ आफ्टर 26, मतलब 26 ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, 26 सेगमेंट के बाद, 26 सेगमेंट के बाद और पीछे से 23, और 23 से 25, पीछे से 23 से 25 छोड़ दिया जाए, क्या छोड़ दिया जाए, पीछे से 25 और 23। अच्छा मतलब कहाँ से कहाँ नहीं पाए जाते, अगर ये समझ लो तो कहाँ से कहाँ पाए जाते ये समझ में आ जाएगा। 25 तक नहीं पाए जाएंगे, और पीछे से मान लो 120 है, तो वहां से पीछे से लास्ट 23 से 25 छोड़ दो, वहां भी नहीं पाए जाते, बाकी पूरे बॉडी पर पाए जाते हैं। हाँ अब देखना, तो टिफ्लोसोर क्या होता है, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, ताकि हम क्या करें, खाना वाना जो यहाँ खाना वाने को क्या कर सके, एब्जॉर्ब अच्छे से कर सके। हाँ तो चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, चलो देखते हैं, कह रहा है ब्लड ग्लैंड, तुम्हें बताना है ब्लड ग्लैंड किस किस सेगमेंट पर ब्लड ग्लैंड पाया जाता है, तुम्हें जल्दी से बताना है, ये पूरा जो भरना है, ब्लड ग्लैंड किस किस सेगमेंट पर पाया जाता है। हाँ जल्दी
देखना ब्लड ग्लैंड कितने होते हैं, तीन होते हैं, तीन पेयर होते हैं। हाँ फोर्थ सेगमेंट पे पाया जाता है और क्या, फाइव सेगमेंट पे पाया जाता है और क्या, सिक्स सेगमेंट पर पाया जाता है। ब्लड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, ब्लड ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं सेल एंड हीमोग्लोबिन। इनका हीमोग्लोबिन जो होता है वो डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में, बात एकदम क्लियर है। इसमें इसमें जो होता है आरबीसी क्या होता है, नहीं पाया जाता है, बात एकदम क्लियर। तो ब्लड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, चार पांच छह पे पाए जाते हैं। अब देखना इनमें रेस्पायरेशन कैसे होता है। देखो रेस्पायरेशन के लिए कोई स्पेशल ब्रीथिंग डिवाइस नहीं होता, इसमें क्या होता है रेस्पायरेशन मॉइस्ट स्किन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मॉइस्ट स्किन द्वारा होता है। हाँ अब देखना अगर बात करते हैं इसमें इसमें जो होता है एक्सक्रीशन किसकी मदद से होता है, तो एक्सक्रीशन क्या होता है, ट्यूबुलर वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं, नेफ्रीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रीडिया बोलते हैं, जो सेगमेंटली अरेंज होता है। तो नेफ्रीडिया द्वारा क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। नेफ्रीडिया तीन टाइप का होता है, एक होता है सेप्टल नेफ्रीडिया, एक होता है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, एक होता है फेरेंजियल नेफ्रीडिया। तीनों का हमें जल्दी से सेगमेंट बताओ, किससे किस सेगमेंट पर पाया जाता है और ओपन कहाँ होता है, जल्दी से बताओ, लिखो अपनी कॉपी में। तो देखना ये क्या होता है, सेप्टल नेफ्रीडिया जो होता है वो ओपन होता है, वो जो होता है 15 से लास्ट कहां तक पाया जाता है, 15वें सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट पर पाया जाता है। और इनकी ओपनिंग होती है इंटेस्टाइन में, कहां होती है, इंटेस्टाइन में ओपनिंग होती है। अच्छा इंटेगुमेंट्री जो है वो कहां से कहां तक, 3 से लास्ट कहां तक पाए जाते हैं, 3 से लास्ट इनकी ओपनिंग होती है बॉडी सरफेस पे, कहां होती है बॉडी सरफेस पे। कुल मिला जुला के गंदे मटेरियल को बाहर निकालना है, चाहे वो बॉडी वॉल द्वारा निकाल दे और चाहे वो इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन द्वारा निकाल दे, इंटेस्टाइन मतलब एनस में खुल के निकाल दे। फेरेंजियल नेफ्रीडिया कहाँ पाया जाता है, चार हम कह रहे हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया वहां पाया जाता है जिस सेगमेंट पर ब्लड ग्लैंड पाए जाते हैं। तो कहाँ पाया जाएगा, चार पांच एंड छह पर क्या पाया जाता है, फेरेंजियल नेफ्रीडिया। ये भी कुल मिला जुला के इंटेस्टाइन में ही खुलते हैं, कह सकते हैं इंटेस्टाइन द्वारा ही वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, बात एकदम क्लियर है। देखो ये ट्यूबुलर आगे से फनल जैसा होता है नेफ्रीडिया, हाँ, और बाद में चल के क्या हो जाता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो जाता है। और यहाँ से ये कलेक्ट करता है क्या, वेस्ट मटेरियल जो भी निकलता है, और उसके बाद यहाँ से क्या होता है, वो या तो बॉडी वॉल पर निकाल देगा या तो इंटेस्टाइन में छोड़ देगा। अगर इंटेस्टाइन में छोड़ देगा तो इंटेस्टाइन से होते हुए क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। चलो कह रहा है अब देखना, हमने तुम्हें एनालिट्स जब पढ़ाया था, एनिमल किंगडम जब पढ़ाया था, वो वीडियो देख लेना अगर नहीं तुमने देखा होगा, कहा था हमने उसमें अच्छे से समझा दिया था, इसी रिविजन में इसी क्विज सेशन में समझा दिया था। यहाँ वैसे बोल दे रहे हैं नर्व कॉर्ड जो होता है, नर्व कॉर्ड जो होता है वो एंटीरियर रीजन से बाइफर्केट होता है। अच्छा बाइफर्केट किस रीजन से होता है हमें बताना है, बाइफर्केट जो होता है वो किस रीजन से होता है, ऐसा कौन सा सेगमेंट है जहां से वो बाइफर्केट होता है। तो कहां से होता है, तीन और चार, कहां से होता है वो बाइफर्केट, कहां से होता है, तीन और चार से क्या होता है वो बाइफर्केट, तीसरे और चौथे सेगमेंट से वो क्या होता है बाइफर्केट। लेटरली इन सर्कल द फायरिंग को घेरते हुए वो ज्वाइन करता है सेरिब्रल गैंग्लिया डॉर्सली एंड फॉर्म आ एक नर्व रिंग पूरा बना देता है। 3D में हम नहीं बता सकते, हाँ पूरा क्या बना देता है, एक नर्व रिंग बना देता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखना ये स्टेटमेंट तुम्हें बताना है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। कह रहा वॉर्म्स हैव स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर, वॉर्म के पास कीमो रिसेप्टर पाया जाता है जिसे टेस्ट रिसेप्टर कहते हैं। तो बताओ पहले सही है गलत है, सोच लो एक बार पूरा स्टेटमेंट करके। हम जानते हैं जो वॉर्म्स मतलब अर्थवॉर्म की बात कर रहा है, उसमें जो होता है उसमें जो होता है उसमें सेंसरी ऑर्गन आई, उसके पास आई नहीं होता, लेकिन उसके पास क्या होता है, उसके पास आई नहीं होता लेकिन क्या होता है, उसके पास जो होता है कुछ महसूस करने वाले रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो टच को भी महसूस कर सकते हैं और लाइट को भी महसूस करते हैं, बात एकदम क्लियर है। वैसे टेस्ट को भी महसूस करने वाले टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं। चलो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है फाइनली बताओ। तो वॉर्म्स हैव स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर व्हिच रिएक्ट टू केमिकल स्टिमुलाई, जो केमिकल स्टिमुलाई के प्रति रिएक्ट करते हैं। यहाँ तक स्टेटमेंट सही है। द सेंस ऑर्गन लोकेटेड पोस्टीरियर पार्ट, नहीं भैया सेंस ऑर्गन कहाँ लोकेटेड होते हैं, एंटीरियर पार्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखना तुम्हें बताना है टेस्टिस वॉसा डिफरेंसिया, वॉसा डिफरेंसिया जो होता है एसेसरी ग्लैंड ओवरी, इसमें पोजीशन बतानी है। हम तुम्हें मौका दे रहे हैं अच्छे से सोच लो और लिख लो जल्दी से। अच्छा बताओ टेस्टिस पेयर होता है कि क्या होते हैं, तो क्या होते हैं तुम बोलते चलो, हम पूछ रहे हैं, हाँ हम पूछ रहे हैं तुम बोलते चलो। टेस्टिस क्या होते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। अच्छा कितने पेयर पाए जाते हैं, दो पेयर। किस सेगमेंट पे पाए जाते हैं, टेंथ एंड
11 पे पाए जाते हैं। हाँ, और उसके बाद टेस्टिस से क्या निकला होता है, वॉसर डिफरेंसिया, ये जाता है 18वें सेगमेंट तक। कहाँ जाता है? 18वें सेगमेंट तक, और ये ज्वाइन करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। किसको किसको ज्वाइन करता है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड को ज्वाइन करता है, और ये ओपन हो जाता है। तुम्हें पता होगा, देखो भाई रिविजन करा रहे हैं, ये ओपन हो जाता है। तो वॉसर डिफरेंसिया कहाँ तक जाता है? 18 सेगमेंट तक, और ये ओपन हो जाता है एज अ मेल जेनाइटल पोर। 18 सेगमेंट पर एज अ मेल जेनाइटल पोर क्या हो जाता है? इसकी ओपनिंग हो जाती है। तो कहाँ टेस्टिस कहाँ पाया जाता है? 10 और 11वें सेगमेंट पर। बात एकदम क्लियर है? अच्छा बताना, अब बात करते हैं अगर ओवरी की, तो ओवरी बताना किस पे पाया जाता है? ओवरी पाया जाता है, अच्छा ये जो होता है, ये जो अर्थ फॉर्म होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। मतलब क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट, मतलब होता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी पर पाया जाता है। तो ओवरी जो होता है वो पाया जाता है 12 से 13 इंटरसेगमेंटल पर पाया जाता है, दो सेगमेंट के बीच में पाया जाता है। अच्छा तो ये क्या होता है? ओवरी कहाँ पाया जाता है? इंटरसेगमेंटल पे पाया जाता है। अब देखना एसेसरी, अब ये जो होता है, ये जो होता है धीरे से खुल जाता है, धीरे से मतलब 14 सेगमेंट पे ये ओवरी जो होता है वो खुल जाता है, 14 सेगमेंट पे खुल जाता है एज अ फीमेल जेनाइटल पोर। बात एकदम क्लियर है? अब देखना, अब बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड। देखो भाई ओवरी से क्या निकलेगा? ओवरी से निकलेगा ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या हो जाएगा? दोनों ओविडक्ट एक साथ मिल जाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएंगे? 14 सेगमेंट पे खुल जाएंगे। तो वही हम कहते हैं फीमेल जेनाइटल पोर 14 सेगमेंट पर खुल गया है। अब तुम्हें बताना है एसेसरी ग्लैंड, तुम्हें बताना है एसेसरी ग्लैंड कहाँ कहाँ, एसेसरी ग्लैंड जो होता है किस किस सेगमेंट पर पाए जाते हैं। तो 17 एंड 18 सेगमेंट पर क्या पाए जाते हैं? एसेसरी ग्लैंड पाया जाता है। 17 एंड 18 सेगमेंट पर क्या पाए जाते हैं? एसेसरी ग्लैंड। तो टेस्टिस किस पे पाया जाता है? 10 11। वॉसर डिफरेंस ये कहां तक जाता है? 18। हाँ, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ जुड़कर क्या बना देता है? मेल जेनाइटल पोर। अच्छा ओवरी कहां पाया जाता है? 12 से 13 सेगमेंट पर, इंटर सेगमेंटल। हाँ, ओवरी से क्या निकलता है? ओविडक्ट। ओविडक्ट दोनों दो ओवरी है, तो दो दो ओवरी के दो ओविडक्ट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, खुल जाते हैं 14वें सेगमेंट पर। अच्छा एसेसरी ग्लैंड के, एसेसरी ग्लैंड जो होता है वो किस सेगमेंट में पाया जाता है? 17 से 18। चलो अब इसमें देखना, बोर मत होना भाई। हाँ, अब इसमें देखना, अब कह रहा है चलो, अच्छा तुम इसका आंसर दे दो फिर पीछे चलते हैं। चलो इसका आंसर पहले दे दो, हम तुम्हें 10 सेकंड का मौका देते हैं। 10 सेकंड हमने टाइमर लगा दिया है, टाइमर हमने लगा दिया भाई 10 सेकंड का। चलो कह रहा है डॉर्सली एंड वेंट्रली स्क्लेराइट और नोन एज, हम जाते हैं स्क्लेराइट किसमें पाया जाता है? कॉकरोच। डॉर्सली स्क्लेराइट, स्क्लेराइट क्या बोलते हैं? टर्गाइट। क्या बोलते हैं? टर्गाइट। और वेंट्रली को क्या बोलते हैं? स्टेरनाइट। हमारा हमारा स्टेरनम, स्टेरनम कहाँ पाया जाता है? वेंट्रल, तो इसीलिए इसको बोल दिया जाता है स्टेरनाइट। हाँ, अब ये और लेटरल को क्या बोला जाता है? प्लूराइट। लेटरल जो स्क्लेराइट पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्लूराइट। ये तीनों आपस में अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्या? ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन जो थिन होता है और क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। चलो एक बार फिर से हम चलते हैं इसके पास। हाँ, अर्थवॉर्म के पास कह रहा है, देखना ये स्टेटमेंट सही है। म्यूचुअल एक्सचेंज, अच्छा देखना ये बाइसेक्सुअल तो होते हैं लेकिन इनमें कोई भी होता है, इसमें अर्थवॉर्म में जो होता है बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट तो होते हैं लेकिन इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी मेल मतलब मेल तैयार होके बैठा, फीमेल नहीं, फीमेल गैमेट नहीं तैयार है, मेल गैमेट तैयार है, पता लगा मेल गैमेट तैयार है तो फीमेल गैमेट नहीं तैयार है। तो क्या होता है इसमें? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म अगर बिटवीन टू ऑफ के बीच में होता है ड्यूरिंग मेटिंग, जक्सटापोजिंग मेटिंग होता है। कह रहा फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अगर विद इन अ पैक, इसमें कोकून्स, कोकून्स, कोकून्स में क्या होता है? कोकून्स में क्या होता है वो क्या बनाते हैं? फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट किसमें होता है? कोकून्स में होता है। जो कोकून्स अब इनकी बॉडी से अटैच होकर कहाँ चले जाते हैं? सॉइल में डिपोजिट हो जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। कह रहा है कोकून्स जो होता है होल्ड करता है एम्ब्रायो को। एम्ब्रायो को कौन? अब भैया मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे तो क्या बनेगा? जायगोट। जायगोट डेवलप होकर क्या बनेगा? एम्ब्रायो। आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक्स के बाद ईच कोकून्स जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, तुम्हें बताना है कितने बेबी प्रोड्यूस करता है। तो कितने बेबी प्रोड्यूस करता है जल्दी बताओ? 2 से 20 बेबी प्रोड्यूस करता है। ऑन एन एवरेज कितना करता है? 4। अब दो कुल लोग कहेंगे 20 प्लस 2
इक्वल टू 22 अपॉन 2। तो यहाँ ऑन एन एवरेज 11 निकला। नहीं भैया 11 नहीं निकला, मिनिमम 2 कर सकते हैं, मैक्सिमम 12 कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं 4 करते हैं, तो इस हिसाब से लिया गया। हाँ, अब कह रहा है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाई अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के द्वारा जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बताओ उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। हाँ, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बताना है तुम्हें, इसमें 10 सेकंड का मौका दे रहे हैं, जल्दी से बताओ, 10 सेकंड का सिर्फ मौका देंगे। चलो देखना, कह रहा है कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच जो होता है हाँ, वो क्या होता है, डायरनल होता है? नहीं, वो क्या होता है, डायरनल नहीं होता। वो क्या होता है, रात रिचर प्राणी होता है। डायरनल मतलब जो सुबह भी दिखे शाम को भी दिखे। हाँ, और इसे के नॉक्टर्नल मतलब जो रात में दिखे। ये कॉर्निवोरस होता है? नहीं, ये कॉर्निवोरस नहीं होता, ये ओमनीवोरस होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो कॉकरोच के बारे में भी हमें थोड़ा बता दो। हाँ, जल्दी जल्दी पूछते जा रहे हैं। तो तुम्हें पहला स्टेटमेंट बताना है सही है या गलत है, जल्दी बताओ, पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है, जल्दी। पहला स्टेटमेंट हम कह रहे हैं गलत है। क्यों गलत है? ब्राइट येलो रेड ग्रीन कलर्ड कॉकरोच है बीन ऑल्सो रिपोर्टेड, देखा गया टेम्परेट नहीं ट्रॉपिकल रीजन होना चाहिए था। एक एक वर्ड गलत करता है, एक एक वर्ड से गलत होता है। अच्छा, इनका साइज होता है कितना, 1.11 by 4 inch से लेकर 3 inch तक हो सकता है। कितना, 3 inch। अगर इसे सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया जाए तो कितना होगा, 0.627.6 सेंटीमीटर। कितना होगा, 0.627.6 सेंटीमीटर होगा। हाँ, अब देखना, कह रहा है प्रीप्लेनेटा, कॉकरोच में एक ब्रांड होता है, ब्रांड मतलब एक स्पीसीज होता है प्रीप्लेनेटा अमेरिकाना। अबाउट ये इसका कितना साइज होता है, ऐसे याद रख लेना, 3, 4, 5, 3 मतलब 34 से लेकर 53 mm में दिया है। यहाँ पर ध्यान रखना है mm लॉन्ग होता है विद विंग, इनके पास क्या पाया जाता है, विंग दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। इनकी बॉडी बड़ी होती है हेड हेड थोरेक्स एब्डोमेन में, वो विंग जो होता है इतना लंबा होता है कि वो एब्डोमेन के टिप तक जाता है। हाँ, अच्छा, किसमें जाता है, मेल या फीमेल में, ये बहुत जरूरी बात है, मेल में। हाँ, इसमें लंबा होता है, इसमें विंग्स लंबा होता है, मेल में। हाँ, अब देखना, उसके बाद करते हैं पेयर ऑफ थ्रेड, ये बताना तुम्हें स्टेटमेंट सही है गलत है, जल्दी बताओ, पढ़ के बताओ, 2 सेकंड का मौका। कह रहा पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना, इसके पास क्या पाया जाता है, एंटीने, जो सेंसरी सेंसरी फंक्शन कैसे करते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं कह सकते हैं। हाँ, अब देखना, सेंस करते हैं, महसूस करते हैं, हाँ, ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं रहते वो एंटीना अपना। कह रहा अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट, मेम्ब्रेनस सॉकेट से अराइज करते हैं, लाइज इन फ्रंट ऑफ आई, वो कहाँ पाया जाता है, इन फ्रंट ऑफ आई। तो स्टेटमेंट क्या है, सही है। कह रहा है एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड बियर अपेंडिसेस पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग बाइटिंग एंड बाइटिंग एंड चुइंग माउथ पार्ट। इनका माउथ पार्ट कैसा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बाइटिंग एंड चुइंग टाइप होता है, बात एकदम क्लियर है। चलो, कह रहा है थोरेक्स कंसिस्ट ऑफ, अब यहाँ क्या रहा है, थोरेक्स जो होता है बटा होता है प्रो थोरेक्स, मीजो थोरेक्स और किसमें, मेटा थोरेक्स में बटा होता है। हाँ, थोरेक्स की बात कर रहा है, बाउंड की बात नहीं कर रहा। हाँ, थोरेक्स जो होता है वो बटा होता है प्रो थोरेक्स, मीजो थोरेक्स और मेटा थोरेक्स। अब बताना इसमें कितने पेयर लेग्स पाए जाते हैं, तो तीनों, प्रो थोरेक्स से एक पेयर लेग्स, मीजो थोरेक्स से एक पेयर लेग और मेटा थोरेक्स से एक एक पेयर लेग्स निकलते हैं, तो 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन विंग्स जो होता है वो 2 पेयर पाया जाता है, एक होता है फोर विंग्स, एक बोलते हैं हाइंड विंग। हाँ, फोर विंग्स बोलते हैं टेगमाइना। हाँ, क्या बोलते हैं, टेगमाइना भी बोलते हैं। अब देखना, अच्छा, प्रोथोरैक्स से विंग्स नहीं निकलता, मेसोथोरैक्स से निकलता है एक पेयर किससे निकलता है, मेटाथोरैक्स से। ये जो फोर विंग्स होता है वो ओपेक होता है, मतलब क्या होता है, डार्क होता है और अपारदर्शी होता है, आर पार दिखता नहीं है। हाँ, अब देखना, और ये जो होता है हैंड विंग को कवर अप किए रहता है, जब ये रेस्ट करते हैं तो हैंड विंग इसके नीचे दबा होता है। हाँ, अब देखना, हैंड विंग जो होता है, हैंड विंग जो होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेनस होते हैं, मेम्ब्रेनस मतलब झिल्लीदार होते हैं। हाँ, और ट्रांसपेरेंट मतलब एक दूसरे के पास देख सकते हो। ये यूज होते हैं फ्लाइट में, किसमें यूज किया जाता है, फ्लाइट में मदद करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो तुम्हें बताना है इसमें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉकरोच, कॉकरोच के बारे में तुम्हें कुछ स्टेटमेंट पढ़ने हैं। कह रहा है विसरल ऑर्गन लोकेटेड हीमोसील, विसरल ऑर्गन जो होता है वो लोकेटेड होता है इन हीमोसील, हीमोसील में लोकेटेड होता है, आर बॉथ इन ब्लड। क्यों क्यों भैया, क्यों भैया, ये विसरल ऑर्गन जो होता है क्यों बहुत सीधा कांटेक्ट में होता है ब्लड के, क्योंकि इसमें ओपन, कॉकरोच में क्या पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जबकि अभी अर्थवॉर्म पढ़े हैं, अर्थवॉर्म किसमें आता है, एनालिट्स, एनालिट्स में क्या पाया जाता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ब्लड जो होता है साइनस मतलब खाली चैम्बर से कहाँ जाता है,
हर्ट में जाता है, किसके द्वारा? ऑस्ट्रिया द्वारा, और फिर हर्ट से निकल कर फिर कहाँ जाता है? साइनस में आ जाता है। ऐसे ऐसे पूरा सर्कुलेशन इसका चलता रहता है। तो ये भी क्या है, सही है, एंटीरियर ही जाएगा ना, पोस्टीरियर से एंटीरियर ब्लड का सर्कुलेशन होगा। हाँ, कह रहा रेस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्राइकिया, इसमें रेस्पायरेशन जो होता है नेटवर्क ऑफ ट्राइकिया होता है, जो ओपन थ्रू कितने स्मॉल पेयर ऑफ स्मॉल होल, जिसे कहा जाता है स्पायरिकल्स। अच्छा, स्पायरिकल्स कितने पेयर होते हैं? 2 पेयर 10 पेयर होते हैं, जो कहाँ पाया जाता है? लेटरली साइड, लेटरल साइड ऑफ बॉडी पे पाया जाता है, जिसके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है। गैस एक्सचेंज और टेक्स प्लेस बाय ट्राइक्यूल्स, ट्राइक्यूल द्वारा होता है बाय डिफ्यूजन। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बताओ, ये स्टेटमेंट सही है क्या? ये यूरियोटेलिक होते हैं? नहीं, ये क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। ये क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड निकालते हैं। हाँ, चाहे यूरिया हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे जो, उसको पहले किसमें कन्वर्ट करते हैं? यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ये निकालते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये स्टेटमेंट गलत है। ये यूरिकोटेरिक होता है, यूरिक एसिड निकालते हैं। इन एडिशन, इसके द्वारा एक्सक्रीशन, जिसके द्वारा होता है फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन, इसमें हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। ये दिमाग में पॉइंट रखना। हाँ चलो, अब इसमें तुम्हें मौका दे रहे हैं 20 सेकंड का, 20 सेकंड का तुम्हें मौका दे रहे हैं टोटल। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। टेस्टिस पूछ रहा है तुमसे, टेस्टिस की पोजीशन क्या होती है? तो भाई देखो, अब इसमें क्या है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि मेल एंड फीमेल दोनों एक ही हो। हाँ, इसमें क्या होता है, मेल अलग होता है, ये डायोइसियस होते हैं, मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है। तो टेस्टिस मेल में पाया जाएगा, ओवरी फीमेल में पाया जाएगा। तो देखना, कह रहा है टेस्टिस जो होता है वो किस सेगमेंट पर पाया जाता है? तो टेस्टिस जो होता है वो किस पर पाया जाता है? 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पर। यहाँ थोरैकिक कर देगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 4 से 6 थोरैकिक एब्डोमिनल सेगमेंट पर पाया जाता है, पहले का थर्ड, मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। कह रहे हैं मशरूम ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड किस पर पाया जाता है? देखना भाई, मशरूम ग्लैंड पाया जाता है 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट पर। हाँ, अब देखना मशरूम ग्लैंड में कौन कौन होता है? सेमिनल वेसिकल होता है, उसके बाद लॉन्ग टिब्यूल, स्मॉल टिब्यूल, सब मिलकर क्या बनाते हैं? मशरूम ग्लैंड बनाते हैं। अब फीमेल की बात करें, अगर ये हो गया मेल की बात, तो क्या हो गया? बी का फर्स्ट हो गया, मतलब ये दोनों ऑप्शन अभी भी वैसे ही बने। अब देखना ओवरी, कह रहा ओवरी कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? ओवरी पाया जाता है 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पर। हाँ, फीमेल की अगर बात करें तो देखना, कॉकरोच की बात हो रही है, तो 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे पाया जाता है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? सी का 4th हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। पेयर ऑफ स्पर्मेथ्री किस में पाए जाते हैं? 6 सेगमेंट पर पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? हमारा ऑप्शन हो गया बी करेक्ट। बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बात एकदम क्लियर है। चलो, इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, क्या मौका देना है जल्दी से बता दो। एनल सैक किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है या फीमेल में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। एनल सरसाई जो होता है वो जो होता है मेल एंड फीमेल में दोनों पाया जाता है, लेकिन लेकिन जो होता है एनल, ये किस पे पाया जाता है? 10th सेगमेंट पे पाया जाता है। किस पे? 10th एब्डोमिनल सेगमेंट पर पाया जाता है। और एनल जो एनल स्टाइल होता है, क्या एनल स्टाइल होता है वो सिर्फ किस में पाया जाता है? एनल स्टाइल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनल स्टाइल सिर्फ किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। जबकि एनल सरसाई किस में पाया जाता है? मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है। चलो, अब हम तुम्हें कुछ आराम से इसको समझना। हाँ, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, ये लेबलिंग जल्दी से ए बी सी करके हम तुम्हें 1 मिनट का मौका दे रहे हैं। जल्दी से अपने कॉपी में फिलअप कर दो कि ये सब क्या है, ए बी सी डी, ये सब क्या है। एक एक मिनट का तुम्हें मौका दे रहे हैं टोटल 1 मिनट। जल्दी से ना लिख पा रहे हो तो सोचो।
चलो देखते हैं, अब तुम बताते जाओ हम लिख रहे हैं, बताओ बी क्या है। हाँ जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में लिखते जाओ। बी क्या है, देखो भाई बी है सलाइवरी ग्लैंड। क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है। अब ये जो होगा ये सलाइवरी ग्लैंड है। अब ये अपना जो भी कुछ सिक्रीशन करेगा वो किसमें डालेगा? एक रिजर्वायर होता है। तो सी क्या है? स्लाइबरी रिजर्वायर। सी क्या है? स्लाइबरी रिजर्वायर है। हाँ रिजर्वायर मतलब जिसमें कुछ इकट्ठा होता है। तो ये क्या है? स्लाइबरी रिजर्वायर है। अब देखना अगर हम बात करते हैं एक एक करके बात करते हैं, ऐसे हमारा सिक्वेंस भी हो जाएगा। उसके बाद देखना अगर हम बात करते हो यहां से बात करते हैं, हाँ फेरिंग्स किससे बात करते हैं? ए क्या है हमारा? फेरिंग्स। अब ए क्या है हमारा? फायरिंग्स। हाँ अब देखना हम जाते हैं माउथ, माउथ 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 से सीधा बोल दे रहे हैं। हाँ माउथ से सीधा बोल दे रहे हैं, क्या आ गया? फायरिंग्स आ गया, फायरिंग्स आ गया। हाँ अब देखना उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ए हो गया फायरिंग्स। तो अब बात करते हैं, चलो पहले इसको मिटा ही दें अच्छे से। हाँ देखना भाई ए क्या है हमारा, इसके आराम से हम चलेंगे। हाँ ए क्या है? फायरिंग्स। अच्छा उसके बाद ये सॉल्ट होता है, ट्यूबुलर होता है। कैसा होता है? सॉल्ट होता है, ट्यूबुलर। उसके बाद हम अगर हम बात करते हैं डी, किसकी बात करते हैं? डी, क्योंकि बी और सी हमने बता दिया। डी क्या है? डी है इसोफेगस। क्या है? ये है इसोफेगस, जो हॉलो हॉलो होता है, नैरो ट्यूबुलर होता है। कैसा होता है? नैरो हॉलो तो होगा भाई, कुछ पास कर रहा है। कैसा होता है? पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या बोलते हैं? इसोफेगस बोलते हैं। हाँ अब देखना उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं, उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो ई क्या है? ई है, ई क्या है? ई है क्रॉप। क्या है? ई को क्या बोला जाता है? क्रॉप बोला जाता है। हाँ क्रॉप। अच्छा इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। ये क्या करता है? स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को क्या करता है? स्टोर करता है। उसके बाद अगर हम एफ की तरफ चले, कहाँ चले? एफ की तरफ। तो एफ है गिजार्ड। क्या है? गिजार्ड। अच्छा गिजार्ड कहीं भी आएगा, इसका दूसरा नाम हो सकता है प्रोवेंट्रिकुलस। क्या होता है? प्रोवेंट्रिकुलस। इसका काम क्या होता है? ग्राइंडिंग का काम होता है। क्या होता है? ग्राइंडिंग का काम होता है। इसमें सिक्स हाईली काइटनेस प्लेट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सिक्स हाईली काइटनेस प्लेट पाए जाते हैं, ऐसे सिक्स। और ये क्या करता है? खाना थोड़ा सा आता है, इसे ग्राइंड करता है। हाँ अब देखना अगर बात करते हैं तो ये हम अगर बात करते हैं जी, तो अब किसके तरफ चलेंगे? जी। तो जी को पहले छोड़ो, हम जानते हैं ये कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो तीन भागों में बटा होता है, फोर गट मिड गट एंड गट। हाँ इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है तीन भागों में बांट सकते हैं, फोर गट मिड गट एंड गट। जो ये माउस से लेकर गीजर तक ये आता है फोर गट के अंदर। किसके अंदर आता है? फोर गट। अब हम बात करते हैं जी की। जी क्या है? जी है हिपैटिक। क्या है? हिपैटिक सीका, क्या जिसे गैस्ट्रिक सीका भी कहते हैं। ये नंबर में कितने होते हैं? 6 से 8। नंबर में कितने होते हैं? 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब होते हैं। ये सिक्रीशन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, जिससे खाना पचने में मदद हो। अच्छा ये देखना एच क्या है? एच है मीजेंट्रॉन। मीजेंट्रॉन को क्या बोलते हैं? मिडगट बोलते हैं। मिडगट बोल दो या क्या बोल दो? मीजेंट्रॉन बोल दो। अच्छा ये क्या होगा? ये था मिडगट। अब उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद जो आई दिया है ना, आई है मैल्पिगियन ट्यूब्यूल। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल अगर तुम्हें याद हो, ये एक्सक्रीशन में मदद करता है। इसका नंबर कितना होता है? 100 से 150 होता है। और ये किसमें मदद करते हैं? एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। ये पाए जाते हैं, ये है तुम्हारा मिडगट, और यहाँ से शुरू हो रहा है तुम्हारा हाइंड गट। ये पाए जाते हैं एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट के जंक्शन पे क्या पाए जाते हैं? मैल्पिगियन ट्यूब्यूल। जबकि हिपैटिक सी का किस पे पाया जाता है? ये पाए जाते हैं फोर गट एंड मिड गट के जंक्शन पे पाया जाता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा अब ये क्या है? जे क्या हो गया? ये देखो भाई हाइंड गट किस में बटा होता है? इलियम कोलन रेक्टम। तो जे क्या हो गया? इलियम हो गया। ये क्या हो गया? कोलन हो गया। तो ये क्या हो गया? रेक्टम हो गया। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ रेक्टम से खाना निकलकर एनस से बाहर हो जाएगा। हाँ ये दिखाया गया ऐसे निकाल के बाहर, ये इसी में होता है। ये मत कहना आज तक हमने ऐसा कॉकरोच नहीं देखा है। चलो अब इसमें मौका हम तुम्हें देंगे 20 सेकंड का मौका दे रहे हैं, हम तुम्हें 20 सेकंड का मौका दे रहे हैं। जल्दी 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 बचाओ। चलो भाई टाइम अप हो गया। हाँ देखना कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस बताना है रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच का। हाँ तो सबसे पहली बात क्या आता है? टेस्टिस आता है। क्या आता है? टेस्टिस आता है। उसके बाद क्या आता है? टेस्टिस के बाद आता है, टेस्टिस के बाद आता है, क्या आता है? टेस्टिस के बाद आता है सेमाइनल वेसाइकल। क्या आता है? सेमाइनल
वेसाइकल आता है। हाँ, हमें पता है सेमाइनल वेसाइकल हो गया। टेस्टिस के बाद क्या आता है? टेस्टिस के बाद आता है सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल हो गया, लॉन्ग ट्यूब्यूल हो गया, उसके बाद शॉर्ट ट्यूब्यूल हो गया। ये सब क्या बनाते हैं? मशरूम ग्लैंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मशरूम ग्लैंड बनाते हैं। तो सेमाइनल वेसाइकल हो गया टेस्टिस के बाद। उसके बाद आता है वॉशर डिफरेंस। उसके बाद क्या आता है? वॉशर डिफरेंस आता है। उसके बाद क्या आता है? एजेक्युलेटरी डक्ट। उसके बाद क्या आता है? एजेक्युलेटरी डक्ट। तो उसके एजेक्युलेटरी डक्ट खुल जाता है मेल गोनोपोर में। इसमें मेल गोनोपोर बाहर की तरफ खुल जाता है। तो देखना, हम मिलाते हैं टेस्टिस, टेस्टिस पहले दिया है, तीनों में दिया। हाँ, तो टेस्टिस हो गया, सेमाइनल वेसाइकल हो गया, सही है। वॉशर डिफरेंस देखो यहाँ का दिया, वॉशर डिफरेंस पहले दे दिया है। हाँ, सेमाइनल वेसाइकल यहाँ दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ टेस्टिस, वॉशर डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, ये भी गलत हो गया। टेस्टिस हो गया, सेमाइनल वेसाइकल हो गया, वॉशर डिफरेंस हो गया, एजेकुलेटरी डक्ट हो गया, मेल गोनोपोर हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? 28 का क्या हो जाएगा? ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऐसे तुम्हें फीमेल पे बताना, इसमें भी मौका दे रहे हैं तुम्हें 20 सेकंड का। चलो, हमने टाइमर लगा दिया, 20 सेकंड का मौका हमने दे दिया तुम्हें। चलो दोस्तों, देखते हैं क्या रहा है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फीमेल, इन फीमेल का अप्रोच में करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो देखना, करेक्ट सीक्वेंस जो होता है वो पहले क्या आएगा? ओवरी आएगा। पहले क्या आता है? ओवरी। अब हमें पता है ओवरी से निकलता है ओविडक्ट। क्या निकलता है? ओवरी से निकलता है ओविडक्ट। और ओविडक्ट के बाद आता है वेजाइना। क्या आता है? वेजाइना आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विजाइना के बाद क्या आता है, एक कॉमन चैम्बर, जेनाइटल चैम्बर आता है। क्या आता है? जेनाइटल चैम्बर। और वो जेनाइटल चैम्बर के बाद ये किसमें खुल जाता है? फीमेल गोनोपोर में। तो देखना, विजाइना पहले दे दिया, गलत हो गया। ओवरी है, चलो ठीक है। ओविडक्ट देखो, यहाँ विजाइना बाद में दे दिया, पहले ओवरी, ओविडक्ट, विजाइना, जेनाइटल चैम्बर और फीमेल गोनोपोर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो, अब हम तुम्हें दे रहे हैं कॉकरोच माउथ पार्ट। कॉकरोच का कुछ माउथ पार्ट दे रहे हैं, इसमें तुम्हें हम मौका दे रहे हैं 10 सेकंड का। उसमें मौका देने लायक कोई पार्ट है नहीं, कोई लग... चलो चलो देखते हैं माउथ पार्ट जो होता है, बताओ इसमें से माउथ पार्ट कौन है? तो माउथ पार्ट देखो सब है। हाँ, सभी के सब, लेब्रम हो गया, लेबियम हो गया, टू एंड लेब्रम देखो एक होता है, ये हो गया लेब्रम हो गया। हाँ, ये क्या होते हैं? सिंगल होते हैं, अपर लिप्स जिसे बोला जाता है। यहाँ लेबियम हमने लिख दिया, क्या लिख दिया? यहाँ लिख दिया लेबियम। ये क्या हो गया? लेबियम हो गया। हाँ, और ये क्या हो गया? लेब्रम हो गया, सीधा रम लिख दे रहे हैं। हाँ, ये क्या होता है? अपर लिप्स होता है। ये क्या होता है? ये होता है अपर लिप्स। ये क्या होता है? ये होता है लोअर लिप्स। यहाँ क्या हो गया? मैंडिबल हो गया। यहाँ क्या हो गया? मैक्सिला हो गया। तो ये मैंडिबल मैक्सिला कितने होते हैं? कितने होते हैं? दो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। और बीच में हाइपोफायरिंग्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइपोफायरिंग्स। इसका काम क्या होता है? हाइपोफायरिंग्स का काम क्या होता है? इधर क्या हो गया? मैंडिबल, उधर क्या हो गया? मैक्सिला। बीच में क्या पाया जाएगा? हाइपोफायरिंग्स। जिसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टंग की तरह काम करता है। बात इधर क्लियर है? मतलब खाने को मिलाने का काम करता है। हाँ, अब देखना, बात करते हैं, चलो चलो ज्यादा नहीं, दो क्वेश्चन हो रहे हैं। इसमें तुम्हें कुछ, हम जो करते, हम जो बोलते जाएंगे तुम्हें बताते जाना। हाँ, कह रहा है तुम्हें पहला स्टेटमेंट पढ़ो, ये बताओ सही है या गलत है। कह रहा है नर्वस सिस्टम जो होता है, तुम पहले पढ़ ही लो। हाँ, देखते हैं कितना तुमने तैयारी किया है। जल्दी कम ऑन। कह रहा है द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। नर्वस सिस्टम जो होता है कॉकरोच का, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड, बहुत सारे फ्यूज सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया से बना होता है, ज्वाइंट बाय, यहाँ तक तो सही है, सिंगल लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव। हाँ, ऑन वेंट्रल साइड्स कनेक्ट होता है, वेंट्रल साइड से। हाँ, कह रहा है तो सब कुछ तो सही है, लेकिन यहाँ सिंगल नहीं होना चाहिए था, पेयर लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव टिश्यू होता है। हाँ, अब देखना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, सिर्फ एक वर्ड की वजह से। तुम्हें ऐसे पूरा अगर रटा हो, अगर तुम जल्दी से निकल गए, ये नहीं देखा, तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा मामला। अच्छा, हेड थोरैक्स एब्डोमेन में बॉडी बड़ी होती है, तो तुम्हें बताना है गैंग्लिया जो होता है थोरैक्स में कितने पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। और उसके बाद एब्डोमेन में कितने पाए जाते हैं? 6 पाए जाते हैं। बात एकदम क्लियर है? अब देखना, कह रहा है ऑन एन एवरेज, एक एवरेज लिया जाए, फीमेल जो होता है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स लो, कितने फीमेल ऑन एन एवरेज कितने ऊठी का प्रोड्यूस करती है? जल्दी से बताओ, कितने ऊठी का प्रोड्यूस करती है? 9 से 10। अच्छा, एक ऊठी का में
और एक उद्दीपक में कितने एग होते हैं? तो कितने होते हैं, 14 से 16 एग होते हैं। बात एकदम क्लियर। चलो अब कह रहा है द निम्फ ग्रो बाई मोल्टिंग, हाँ अबाउट कितने टाइम लगता है उसे, कितने टाइम मोल्टिंग करता है वो एडल्ट एडल्ट में पहुंचने के लिए, कितना करता है? 13 टाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम तुम्हें मौका दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का। कह रहा है नेक्स्ट टू लास्ट, हाँ मतलब 13, अगर 13 निम्फल स्टेज है तो बराहमे की बात कर रहा है कॉकरोच नेक्स्ट टू लास्ट। कॉकरोच के पास क्या आ जाता है? फुल्ली डेवलप विंग्स नहीं, डोंट हैव विंग्स पैड नहीं, उसमें क्या आ जाता है? विंग्स पैड्स आ जाता है। बात एकदम क्लियर है। देखो भाई ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारी जो बात होगी जो यूनिट वाइज होगी, मतलब अब किस यूनिट की तरफ हम बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे हम किस यूनिट की तरफ, अब बढ़ेंगे सीधा सीधा हम प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब अभी क्या बचा है पहले सेल यूनिट देख लेते हैं। हाँ तो सेल यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ऐसे पूरा चलेगा क्योंकि टाइम कम है, टाइम क्या है हमारे पास कम है। तो आज के 3 दिन बाद, हाँ कल परसों और उसके 1 दिन बाद, उसके बाद हमारा क्या आएगा, वीडियो आएगा। हाँ आज जैसे कितनी तारीख है, आज है 11 तारीख, 12 पढ़ लो, 13 पढ़ लो, 14 पढ़ लो। हाँ 14 को शाम को वीडियो आ जाएगा किसका, सेल डिवीजन वाले यूनिट का। बात एकदम क्लियर है।